हेलो एवरीवन, आज हम देख रहे हैं 35x35 फीट का प्लान। ये है इसकी फ्रंट एलिवेशन और साइड एलिवेशन। ये कॉर्नर प्लॉट है तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज है, रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को। इसका डिज़ाइन जो है क्लासिक रखने की कोशिश की गई है और सभी तरफ मैंने पेंट और टाइल का मिक्सचर प्रोवाइड किया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने जो है वुडन टाइल यूज़ किया हुआ है। जो ब्राउन कलर में है वो भी वुडन टाइल है और जो क्रीम कलर में है वुडन टाइल है। इसकी जगह क्रीम कलर की जगह हम पेंट भी यूज़ कर सकते हैं क्रीम कलर का। और ये हमारा साइड पोर्शन आ गया। अभी हम कर रहे हैं इंडोर व्यू और ये हमारी एंट्री है, जिसके साथ ही मैंने स्विफ्ट कार जो नॉर्मल है उसको पार्क किया गया है। और ये हमारा साइड वाला व्यू है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि हमारा जो है विजिटर बाथरूम भी दिया गया है। और ये हमारी किचन है, ये हमारा ड्राॅइंग रूम है, ये इंटीरियर ड्राॅइंग रूम का इंटीरियर है। ये मैंने साइड बाय सारी साइड पूरी डिटेल के साथ मैंने दिखाया है। इसमें आप जैसे कि देख सकते हैं टीवी यूनिट और मैंने जो है सारा मतलब डिटेल्ड व्यू में इसको तैयार किया है। और अभी हम जा रहे हैं अपने डाइनिंग टेबल की तरफ, जो कि मैंने नाइट व्यू में दिखाया है। और उसको जो है मैंने नाइट व्यू में इसलिए दिखाया है ताकि नाइट में जो लाइट्स चलती हैं उनका रिफ्लेक्शन हमें अच्छी तरह से दिख सके। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इमेज यूज़ की है सीनरी की। और ये हमारा डाइनिंग टेबल है, यहाँ पर मैंने आराम से 8 सीटर डाइनिंग टेबल लगा दिया है ताकि हमारा व्यू अच्छे से अच्छा आ सके। अब मैंने आपको आउटडोर जो है एंट्री भी दिखा दिया, जहाँ से हम दूसरी तरफ से भी एंटर कर सकते हैं हॉल में। और अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ किचन। किचन जो है हमारी एकदम मैंने बॉक्सेस बनाकर मैंने सेटमेंट किया। ये हमारा रेफ्रिजरेटर है और साथ में मैंने डस्टबिन प्रोवाइड किया है। ये आप देख सकते हैं बॉक्सेस रखे हैं स्टोरेज के लिए। ये हमारी सेल्फ है, यहाँ पर देखिए सामान रखा हुआ है पूरी डिटेल के साथ। और ये दूसरी साइड के बॉक्सेस हैं, इनके नीचे हमारा सिंक है जो बर्तन साफ करने के लिए होता है। आप देख सकते हैं अभी हम उसी का व्यू देख रहे हैं। अभी हम एंटर कर रहे हैं हमारे पास बेडरूम के, जो कि है 11x13 का। ये बेडरूम भी पूरी डिटेल के साथ तैयार किया गया है। इसकी मैंने वॉल माउंटेड LCD अटैच की हुई है ताकि हमारी नीचे से जो है शेल्फ के नीचे अच्छी तरीके से सफाई हो सके। और इसके साथ ही मैंने अटैच्ड बनाया है एक स्टोर बनाया और एक बाथरूम बनाया है। ये हमारी टॉप व्यू सीलिंग है, नॉर्मल बेसिक सीलिंग प्रोवाइड की गई है। ये देखिए यहाँ पर हमारा जो है स्टोर है, यहाँ पर आप जो मर्जी चाहें सेटलमेंट कर सकते हैं। जैसे पुराने तरीके से जो हमारे कंटेनर होते थे वो भी रख सकते हैं। अभी हम देखने जा रहे हैं हमारा बाथरूम, उसके अंदर जो है शावर से लेकर टॉयलेट सीट सारा कुछ इंक्लूडेड है। ये देखिए सर, ये हमारा शावर है, टॉयलेट सीट है, ये रहा वॉश बेसिन। उसके बाद अभी हम मैंने जो 3 फीट की डक्ट छोड़ी है रोशनी के लिए, उसका व्यू देने जा रहा हूँ। ये देखिए अब हमारे दूसरे बेडरूम और सॉरी पूजा रूम की तरफ। पूजा रूम देखिए मैंने नीचे इसलिए प्रोवाइड किया है ताकि नीचे बैठकर हम आराम से जो है उनकी आराधना कर सकें गॉड की। उसके बाद हम जा रहे हैं अभी दूसरे बेडरूम की तरफ। दूसरा बेडरूम भी उसी साइज का है, 11x13 का। ये देखिए लॉबी से व्यू। ये रहा हमारा सेकंड बेडरूम। ये साइड रोड है तो इसलिए यहाँ पर 2 विंडो लगी हुई हैं। ये रही डक्ट जहाँ से हम रोशनी ले रहे थे दूसरे बेडरूम को। और ये हमारी LCD पैनल है। ये देखिए रियर में मैंने वॉलपेपर यूज किया है, आप चाहें तो सीलिंग वर्क भी करवा सकते हैं। ये वही बेसिक सीलिंग जो मैंने फर्स्ट बेडरूम में प्रोवाइड की थी, यही वही सीलिंग यहाँ पर प्रोवाइड की है। अभी हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। ये रही हमारी सेकंड एंट्रेंस और ये रहा फर्स्ट फ्लोर। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट में मैंने पंडा मैक्स का यूज़ किया है। और ये रही हमारी साइड बालकोनी जो दूसरी तरफ की है।